मोहपे मैच कसा रंगेल पुनः एक कॉम्बॉक्स मध्य होईल बदल अपन पहात रहा एकत्र कुठे ही जाऊ नका अगदी तुमच्या समोर आवाज असेल राष्ट्रीय भाषेतून नवी मुंबईचा सचिन गिरी थैंक यू सो मच रिवल मात्रे सर और साथ ही साथ दिनेश जी पाटिल सर बेलवली गांव के हमारे उप सरपंच और एक मखमली खूबसूरत आवाज आज कमेंट्री बॉक्स में अद्वित हमारे साथ जुड़े दिनेश जी पाटिल सर मैच की शुरुआत करनी है रिक्वेस्ट है मैं यहाँ पर फील्डिंग टीम से कुंडेवाल टीम से मैं दरखास्त करूंगा प्लीज जल्द से जल्द आप फील्डिंग लगाइए आज जिग्नेश मते ने क्या दमदार गेंदबाजी की है और दो खिलाड़ियों का काफी यहाँ पर कहते कि यहाँ पर कंपटीटर यानी रेस में चल रहे थे सोमनाथ पाटिल की आग उबलने वाली गेंदबाजी मैच जरूर हारा यहाँ पर टीम पहले मैच की विजेता टीम यानी बोरली टीम लेकिन जीता यहाँ पर टीम पोइंजे ने या दरम्यान हरिचंद्रजी गवाणकर यांचे ते आगमन झाले आमच्या ओले गावातील ज्येष्ठ आणि प्रतिष्ठित नागरिक हरिचंद्रजी गवाणकर आपलं सहर्ष स्वागत बघा तीन रात्रीमध्ये आम्हाला प्रार्थनीय उपस्थिती पाहायला मिळते कारण हा आयोजनच आपला गावाचा आहे आणि या गावाच्या आयोजनासाठी ही मंडळी इथे उपस्थित आहेत त्यांचं सहर्ष स्वागत त्यानंतर मी तुलशीराम भाऊ घरात आमचे नाना टीबी नानाने विनंती आहे की आपण देखील यावं या व्यासपीठावर आपलंही सहर्ष स्वागत संपूर्ण ओले गावातील ग्रामस्थांना विनंती करूया इथे मॅचला सुरुवात झाली आहे पहिला बॉल इथे मात्र फेकला गेलाय पुन्हा एकदा विनंती करतोय ओले गावातील सर्व ज्येष्ठ प्रतिष्ठित वरिष्ठ ग्रामस्थ बघा आपल्या गावची स्पर्धा आहे त्यामुळं आपण या व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हा या स्पर्धेचा आनंद घ्या ओव्हर टू कॉमेंट बॉक्स लेग बाय रन आता हुआ इस बीच और महेश पवार और उनके साथ हर्षद पाटिल ये ओपनिंग जोड़ी टॉस हारा इस मैच में मोपे टीम ने और पहले आप देख सकते हैं बैटिंग करने का निमंत्रण मिला उनको कुंडेवाल टीम द्वारा कुंडेवाल टीम यानी स्वर्गीय धुंडू शेट व श्याम स्मृति कुंडेवाल दूसरी तरफ टीम आप देख सकते हैं मोपे टीम 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये प्रतियोगिता ब्रॉडकास्ट लाइव कवरेज हम दे सकते हैं संदेश दादा उनकी संपूर्ण टीम संजय वास्कर की ये बॉल लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते और गेंद को यहां पर बल्लेबाज ने हल्के हाथों से ढकेला हर्षद टीम के कैप्टन कप्तान ओपनिंग करने उतरे पांच ओवर के इस मुकाबले में पावर प्ले वन यानी दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर 30 यार्ड सर्कल के बाहर फील्डिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कुंडेवाल वर्सेस मुकाबला मोपे के बीच चलता हुआ अब स्ट्राइक पर महेश पवार टीम का स्कोर है टोटल 2 रन मोपे टीम डांसिंग डाउन द विकेट आगे स्ट्रेट ड्राइव किया बॉल लेता हुआ यहां पर सीधा लॉन्ग ऑफ एरिया में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे आज देखा जाए तो कुंडेवाल टीम बिल्कुल हमारे ओले गांव के बगल में स्थित है हमारी पड़ोस की गांव और इस मैदान से काफी वाकिफ है टीम कुंडेवाल कोशिश करेंगे मैच जीतने का सामने एक अनुभवी और कैसे देखिए कई बड़े प्रतियोगिताओं में कई टीमों को पराजित कर चुकी सरप्राइज कर चुकी अपसेट कर चुकी टीम मोहपे टीम 5 ओवर का मुकाबला पहला ओवर डालते हुए गेंदबाज संजय वास्कर काफी अनुभवी और कैसे देखिए एक्सपीरियंस खिलाड़ी कुंडेवाल अगर गांव की अगर क्रिकेट की अगर इतिहास के पन्ने उठाकर आप देखें तो संजय वास्कर अगली बॉल लेकर लेफ्ट हैंड बॉलर सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन लाउड अपील लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट और पिचिंग देखना होगा कैसा था और अंपायर ने घोषित किया ये डॉट बॉल ओवर की समाप्ति और लगभग कह सकते 1:36 के अंदर संजय वास्कर ने और टोटल स्कोर हुआ है डीजे सैंडी ये एक टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पनवेल रायगढ़ में सबसे सुप्रसिद्ध अगर डीजे साउंड सिस्टम है तो डीजे सैंडी आप देख सकते हैं और ऑपरेटर की भूमिका में रोशन समाधान
क्रिकेट करने का प्रयास था, टॉप एज गली में खेलने की कोशिश, गेंद जाता हुआ फ्लाई स्लिप की तरफ और इसी के साथ कप्तान का विकेट खोया यहां पर मोपे टीम ने। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर चलते देखते एक्शन रिप्ले किस प्रकार, ये बॉल थी फुल टॉस गेंद और कहीं भी मार सकते हैं फुल टॉस गेंद को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली बॉल सीधा फ्लाई स्लिप के खिल्डर की बॉल की तरफ गया, माफ करना बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी और बाहरी किनारा और फ्लाई स्लिप पर एक अच्छा कैच, अमित वास्कर ने कैच को यहां पर लपका और चार के स्कोर पर यह पहला झटका लगता हुआ आउट हुए। हर्षद पाटिल ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, दो रन बनाकर आउट होते हुए। अब नए बैट्समैन मैदान के अंदर रुक करते हुए मोपे टीम की तरफ से बैटिंग करने के लिए प्रतीक पवार अब मैदान के अंदर जाते हुए। समाधान कातकरी एक बड़ा नाम गुंडेवाल, अगर गांव की अगर बात की जाए तो सबसे अनुभवी और एक्सपीरियंस और चर्चित और सुप्रसिद्ध खिलाड़ी पनवेल क्रिकेट की अगर बात की जाए, कुंडेवाल गांव की तरफ से हमेशा से अच्छा कार्य रहा है। जिनकी अगर बात की जाए गेंदबाजी हो परफॉर्मेंस खेल की अगर चर्चा जब भी होती है समाधान कातकरी का नाम अवश्य ले जाता है। संजय वास्कर पहले ओवर में जिन्होंने दमदार गेंदबाजी की, चार रन दिए मात्र। ये बॉल बिल्कुल फुल लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और दिशा खराब, निशान जी मात्र हमारे अंपायर इशारा करते हुए एक्स्ट्रा एक रन बैटिंग टीम के लिए आता हुआ। सिद्धेश ट्रॉफी हम देख रहे प्रस्तुत किया गया है हमारे लाडले ग्रुप ग्राम पंचायत ओले गांव के सरपंच माननीय श्री रूपेश सेठ गायकवाड़। दूर से इस बार ड्राइव करने की कोशिश ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, लेंथ अच्छी थी और पेस अच्छा था, इस बार गति से बीट किया बैट्समैन को। आज हर्षद पाटिल ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और आउट हुए दो के स्कोर पर। महेश पवार और प्रतीक पवार इनसे काफी उम्मीद होगी मैदान के अंदर। हाफ ट्रैकर बॉल पुल किया, इस बार ऊंचाई काफी लंबाई कम, गेंद जाता हुआ मिड विकेट एरिया में, जजमेंट खराब फील्डर का और नतीजा बैटिंग टीम के लिए आता हुआ एक किस्मत वाला ये चौका जिसमें रन मिलेंगे, एक नहीं दो नहीं टोटल चार रन आता हुआ मिस फील्ड पर यह चौका बैटिंग टीम मोपे टीम के लिए। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 9 पर। डीजे जय श्री राम। सनातन धर्म और निश्चित तौर पर 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा और पूरे देश में जश्न का माहौल। ओवर द विकेट 30 बॉल यहां पर कहीं ना कहीं विकेट कीपर थोड़ा सा चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 22 एक रन जोड़ेगा एक्स्ट्रा एक रन मोपे टीम के लिए। शुरुआत अच्छी देनी होगी यहाँ पर, पहले ओवर में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए दोनों मोपे के बल्लेबाज, स्पेशली जिस प्रकार हर्षद पाटिल थोड़े से स्ट्रगल करते नजर आए। महेश पवार तीन गेंदों में अब तक एक ही रन बना पाए। प्रतीक पवार जिनके बैट से एक चौका आया लेकिन मिसफील्ड के जरिए आया, कॉन्फिडेंस भरा अब तक बल्लेबाजी नजर नहीं आई। ये बेहतर शॉट फ्रंट फुट पर आकर इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ एरिया की तरफ, नजदीकी मामला, बैटर खतरे में, बैटर आउट। इसे कहते खुद के पैर पे गुलाड़ी मारना। ऑलरेडी इससे पहले रन तो बन नहीं रहे थे, ऑलरेडी एक विकेट गिरा था यहाँ पर हर्षद का और उसके बीच में ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है और जिसके चलते मोपो टीम को लिखता हुआ एक और झटका। फील्डिंग लाजवाब सही, एंड पर थ्रो अच्छा किया गया और कलेक्शन, तारीफ करना चाहूंगा वहां पर समाधान कातकरी की, इन्होंने गेंद की तरफ दौड़ कर आया। और सबसे खास बात देखिए, जो छोटे बच्चे अगर लाइव देख रहे हैं और मैदान के अंदर है कि हमेशा आपको स्टंप के पीछे खड़े रहना रनआउट करने के लिए, वही काम किया समाधान ने। क्रॉस द लाइन जाकर खेलने की गलती कर बैठे और लेग बिफोर विकेट, अंपायर ने इसे आउट करार दिया है। एक और झटका, पिछले विकेट का सदमा अभी तक खत्म हुआ नहीं था कि अगली बॉल पर एक और विकेट गिरा है। में पाए गए बैट पहले लगा नहीं, पैरों से गेंद का संपर्क और अंपायर के लिए आसान सा निर्णय, विकेट गिरता हुआ। एक और तीसरा झटका लग चुका है यहां पर मोपे टीम को इस पहले इनिंग में और दो ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है। दो ओवर के खेल के बाद मोपे टीम का 3 विकेट गिर चुका है और टीम का
सिद्धेश ट्रॉफी हम देख रहे, एक मानाची क्रिकेट स्पर्धा, सुप्रसिद्ध प्रतियोगिता इस हफ्ते में जो दिनांक 6 फरवरी को शुरू हुआ, मंगलवार के दिन, आज गुरुवार, और आप देख सकते ओपीएल ओले प्रीमियर लीग भी 10 और 11 तारीख को डे नाइट, पहली बार ओपीएल के इतिहास के पन्ने पलट कर देखे तो डे नाइट प्रतियोगिता आपको ओपीएल देखने को मिलेगा इसी वीक में, इसी हफ्ते में, सप्ताह में 10 और 11 फरवरी। तमाम युवा यंगस्टर खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म ओले गांव के, अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो प्रमोद घरत, रन मशीन, इस गांव के तमाम संपूर्ण टीम, खिलाड़ी आज अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे आने वाले शनिवार और रविवार के दिन। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ चलते हैं, मोपे बनाम कुंडेवाहल के बीच मैच चलता हुआ, नए ओवर की शुरुआत। पहली बॉल भन्नाट तेज और क्लीन बोल्ड हुए यहां पर बल्लेबाज, एक और झटका आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में। संजय वास्कर की इस गेंद की बात की जाए तो कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास, आउट हुए बल्लेबाज प्रेमजीत पवार। आज गेंदबाजी में पावर देखने को मिला कुंडेवाल टीम द्वारा, एक्शन रिप्ले में चलिए देखते किस प्रकार की गेंद थी। संजय वास्कर, इनकी गेंदें ज्यादा करके स्किट होती है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्लीन बोल्ड, परफेक्टो क्रश यॉर्कर। और प्रेमजीत, देखिए नाम इनका प्रेमजीत है लेकिन संजय वास्कर ने दिल जीता एज अ विकेट दिलाकर अपनी टीम के लिए, परफेक्ट यॉर्कर, और रिस्पेक्ट भी यॉर्कर और भारत रत्न तेंदुलकर का किया जाता है क्रिकेट में, और वही देखने को मिला है। ऑफ स्टंप उखाड़ा यहां पर, लाकर तोड़ गेंदबाजी हमने आज कई गेंदबाजों के द्वारा देखा, सोमनाथ पाटिल हो चाहे विघ्नेश जिग्नेश मते की बात हो, और अब संजय वास्कर उस सूची में अपना नाम दर्ज करते हुए। एक और तेज बॉल, बिल्कुल फुटवर्क हिला नहीं, ब्लॉक में गेंद, विकेट कीपिंग अच्छी होती हुई, डॉट बॉल, मुश्किलें बढ़ती जाती हुई मोपे टीम के लिए। एक और परफेक्ट ब्लॉक होल गेंद, लगातार टोक्रश यॉर्कर, मानो जैसे ग्रेनेड मिसाइल जैसी फेंकी जा रही है, बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है दो यहां पर देश के बीच में, और गोले पे गोले दागे जा रहे हैं। ओहो, एक और लाजवाब गेंद, स्टनर गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी, मिस्टर संजय वास्कर, मैन फ्रॉम कुंडेवाहल। और आज संजय की गेंदबाजी में यहां पर धराशाही नजर आए मोपे के कई बल्लेबाज, अपनी रफ्तार में एक बार फिर एक और बल्लेबाज को गिरफ्तार किया है, आग उगलने वाली गेंदबाजी, चारों खाने चित, संजय वास्कर परिचित, लाजवाब गेंदबाजी, एक और झटका, मोपे टीम पूरी तरह बैकफुट पे इस मैच में। एक्शन रिप्ले में देख सकते परफेक्ट यॉर्कर, जसप्रीत बुमराह वाला, और कहीं ना कहीं अब तक इनकी गेंदबाजी में बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आते हुए। एक और झटका, चलते संगीत की तरफ। डीजे मास्टर जय दीबाग सचिन, खरं तर पाहतोय आपण संजय वास्कर हा एक अनुभवी जुना जाणगा खेळाडू आहे, 40+ मधला हा खेळाडू खूप चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय, बिलकुल स्वस्थ शरीर, आयुष्मान। एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर टीम मोपे टीम की अगर बात की जाए, लेग बिफोर विकेट, लाउड अपील और LBW के जरिए छठे खिलाड़ी आउट होते हुए, और संजय वास्कर तारीफ करना चाहूंगा, और इनके लिए दो लाइन जरूर यहाँ पर पेश होता हुआ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जीतने की जीत हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। कुंडेवाहल क्रिकेट की अगर बात की जाए ना यहाँ पर रिवल सर, और ओले क्रिकेट की बात की जाए, 40+ खिलाड़ियों की आज भी वही यहाँ पर कह सकते हैं कि तरोताजा प्रदर्शन, आज भी दमदार प्रदर्शन हम कई ग्रामीण क्रिकेट में देखते हैं, उनमें से एक संजय वास्कर जिन्होंने आज आग उगलने वाली गेंदबाजी की है, अब तक 3 रन दिए इन्होंने, 3 विकेट चटका चुके दूसरा ओवर डालते हुए, और ऐसी गेंदबाजी की कई यंगस्टर भी शर्माए, और सीखने के लिए आपको काफी कुछ मिलेगा संजय वास्कर की इस आग उगलने वाली गेंदबाजी के खिलाफ। आणि नक्कीच सचिन करत त्याच्याकडे पाहिलं तर कोण म्हणेल का 40+ आहे, आता 18-19 वर्षाचा मुलगा वाटतोय बघा, बिलकुल क्लीन शेव, बिलकुल एकदम फिट बॉडी, क्या ये मेडन ओवर होगा, है मेडन ओवर है, बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी। एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट अ टीचर, इट्स ऑल्सो अ बेस्ट फीचर इन यू, ये काम किया संजय वास्कर ने,
दोस्तों गेंदबाजी पसंद आई तो एक बार फिर जोरदार तालियां संजय वास्कर के लिए, 40+ खिलाड़ी लेकिन आज भी वही रुतबा, एज इज जस्ट नंबर, उम्र बढ़ता है लेकिन अगर आपके पास कला है तो आप अच्छे अच्छे भले भले को यहां पर धराशायी कर सकते हैं, और वही किया यहां पर। पहला मिडन ओवर आज के दिन डाला यहां पर जिग्नेश मते पोइंजे के गेंदबाज ने, और अगला यानी दूसरा मिडन ओवर आज के दिन का नाम जाता हुआ कुंडे वहाल के एक्सपीरियंस बेमिसाल गेंदबाज संजय वास्कर। यस रिवल सर, खूब चांगली गोलंदाजी पाहत आहोत अर्थात संजय वास्कर यांची, आणि त्याचबरोबर कौतुकास्पद या मॅच मध्ये त्याचं काम पाहायला मिळतंय। मी विनंती करेन आता उल्वे आणि करंजाडे या दोन्ही टीमच्या संघनायकाला की आपण टॉस साठी लगेच इथे रिपोर्टिंग करायची आहे। उल्वे आणि करंजाडे, हाँ क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग चल रहा है 11/7 विकेट गिर चुके हैं, ऐसा लग रहा है ये लो स्कोरिंग मैच अब होगा। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके, लेकिन संजय वास्कर, वो पुराना संजय वास्कर हमें आज नजर आया, विंटेज संजय वास्कर, जब कह सकते कि जब 25-30 साल की उम्र में जब क्रिकेट खेलते थे कुंडे वहाल की तरफ से, ग्रामीण क्रिकेट की अगर बात की जाए, आज कह सकते एक बार फिर हमारा पुराना संजय वास्कर मैदान के अंदर आग उगलता हुआ। नए ओवर की शुरुआत, एक और अपील, एक और विकेट, तू चल में आया, और कहीं ना कहीं मोपे टीम ने अपना 8वां विकेट गवाया। एक खिलाड़ी आ रहे तो वापस गवर्नमेंट की नौकरी की तरह अटेंडेंस लगाकर जा रहे, आया राम गया राम वाली स्थिति चल रही है मैदान के अंदर, और ऐसा क्रिकेट क्रिकेट में बिल्कुल शोभा नहीं देता। 5 ओवर का मैच है, खिलाड़ी बिल्कुल मैदान के अंदर सेट नहीं हो पा रहे हैं और अपसेट होकर मैदान के बाहर जाते हुए, बिल्कुल आसान सा प्लम एलबी जिसे कहते हैं, लेग बिफोर विकेट, फुल टॉस गेंद और अक्रॉस द बैट खेलने की कोशिश, और बैटर आउट, 8वां झटका, स्कोर मात्र 11/11। ग्यारह पर आठ, अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इनिंग की 11 गेंदें अभी भी खेलनी बाकी है, और क्या ऑल आउट का खतरा ना हो जाए यहां पर मोपे टीम के लिए। मैं तो कहूंगा यहां से भी मैच में कमबैक कर सकती है मोपे टीम, उसके लिए आपको 11 गेंदों में कम से कम 15-20 रन बनाने होंगे। ये सोच लेकर भी आप चलते हैं तो क्रिकेट में कहीं ना कहीं आप फाइटिंग स्कोर तक पहुंच सकते हैं। चार बल्लेबाज आज 0 के स्कोर पर आउट हुए, इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट गया है, और फील्डर की भरपूर अच्छी कोशिश, एक बार फिर वहां पर नजर आए खिलाड़ी संजय वास्कर। चलिए 8 बॉल के बाद कहीं ना कहीं कह सकते 8 बॉल के बाद एक सिंगल आया। सूरज शेलार करंजाड टीम के उत्कृष्ट खिलाड़ू और आयोजक देखिए खूब चांगले हैं, सूरज शेलार और त्याचबरोबर सनी कैकाडे, एक बेस्ट प्लेयर ऑफ करंजाड टीम, दोघांचं करूया स्वागत। एक और मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ये कैच प्रैक्टिस है लेकिन इस बार ड्रॉप हुआ है, यही तो है खेल क्रिकेट, कि आपको मौके भी मिलते हैं, आप मौकों को कितना बुनाते हैं वो डिपेंड करता है। ये आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है, सम्माननीय आरडीजी वास्कर की तरफ से संजय वास्कर की इस विकेट मेडन ओवर की गेंदबाजी और लास्ट जवाब गेंदबाजी के लिए 1000 का पुरस्कार जमा हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है कमेंट्री बॉक्स में आरडीजी वास्कर कुंडेवाल के, उनके तरफ से। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, स्कोर है 14-14 रन, 8 विकेट गिर चुके हैं, बैटिंग करते हुए निखिल पवार और प्रसाद पवार, बॉलर तैयार अंकित कातकरी। ओहो हो, ये कहां डाला गेंद, ओहो देखिए बॉल कहां जा रहा है, हे प्रभु, हे हरिराम, कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, बीमर के साथ साथ गेंद सीधा चौके के लिए फरार होता हुआ। डीजे सैंडी की थैंक यू। या दरम्यान बघा टीव्ही गरज साहेबांचं इथे आगमन झालंय, आदरणीय सन्माननीय तुलसीरामजी भाऊ गरज टीव्ही नाना यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं सहर्ष स्वागत, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम। फ्री हिट बॉल, भन्नाट तेज रफ्तार, आज कहीं ना कहीं गुंडेवाल के गेंदबाजों के आगे बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं कठिन परीक्षा रही है। 19 रन जरूर बने, लेकिन पिछले बॉल पर हुआ क्या देखा है, बीमर डाला बॉलर ने, विकेट कीपर रोकने की कोशिश करते गए और बॉल उनके पैरों से लेकर सीधा बाउंड्री की तरफ गई, डीप स्क्वायर के रीजन में लाउड अपील, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ द गेंद जाता हुआ यहां पर, आप देख सकते हैं फील्डर ने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर अंपायर का निर्णय, लेग बाय, रन चाहिए यहां पर मोपे टीम। रेगिस्तान में जैसे पानी के लिए हम सब तरसते हैं, ऊंटे तरसती है, वैसे यहां पर
रनों के लिए तरसती हुई मोपे टीम, एक एक रन उनके लिए काफी बेशकीमती कह सकती है। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 20/8, आखिरी बॉल अंकित कातकर की, अंकित कातकर की ये बॉल और गेंद जाता हुआ यहां पर आप देखते हैं अलोंग द कार्पेट, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन एरिया में, और इस गेंद पर आया है मात्र सिंगल। लाजवाब गेंदबाजी आज संजय वास्कर, समाधान कातकरी की बात करें तो, और अंकित कातकरी, सभी गेंदबाजों ने इंप्रेसिव गेंदबाजी की है। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का मैच, प्रथम बैटिंग करती हुई टॉस हार के मोपे टीम, और अब तक टोटल स्कोर हो चुका है 21 रन, 21 लॉस ऑफ 8 विकेट। कहीं कह सकते हैं कि यहां पर कुंडेवाल इस वक्त मस्त है और मोपे टीम का बल्लेबाजी अब तक थोड़ा सा पस्त है। 21 रन, 1 ओवर बाकी है, अगर इस ओवर में 10 से 15 रन आ जाते हैं तो मैं कहूंगा यहां पर मैच बिल्कुल रोचक और रोमांचक होगा। चलते हैं संगीत की तरफ। यस डीजे, का प्रदर्शन आज कुंडेवाल के गेंदबाजों का, ये सिलसिला रुका नहीं है। शुरुआत से यहां पर हमने देखा जिस हिसाब से सोमनाथ पाटिल, जिन्होंने गेंदबाजी की पहले मैच में बोरले टीम के खिलाड़ी जय हनुमान क्रिकेट संघ बोरले, वहां पर उन्होंने 6 विकेट लिए 3 रन देकर 2 ओवर के स्पेल में। फिर अगले मैच में हमने देखा जिस हिसाब से जिग्नेश मते ने गेंदबाजी की पोएनजी के खिलाड़ी हरिग्राम के खिलाफ, वहां पर उन्होंने 4 विकेट लिए। आज कह सकते हैं यहां पर दिनेश पाटिल सर और रिवल सर आज गेंदबाजों का बोलबाला है। इस विकेट ने कहीं ना कहीं कई गेंदबाजों का साथ दिया है और 21/8 विकेट आज विकेट्स काफी गिरे, उतने हमने रन बनते हुए नहीं देखे यहां पर रोहित मात्रे सर देखे, लेकिन विकेट्स गेंदबाजों को अब तक ये विकेट ने काफी मददगार कार्य किया है गेंदबाजों के लिए। आखिरी 1 ओवर संदीप बोईर ओवर लेकर आए, क्या इस ओवर में प्रसाद पवार और निखिल दमदार बैटिंग करेंगे, मोपे टीम कमबैक करेगी इस मैच में। पहली गेंद लाइन दिखनी होगी कैसी है, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर यानी परफेक्ट ब्लॉक होल डिलीवरी डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत। इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है कुंडेवाल टीम का, नेक्स्ट मैच उल्वे टीम फेस करेगी करण जाड़े टीम को। ओवर पिच गेंद, बल्ला जोर से घुमाया जरूर था लेकिन ठीक तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ ही नहीं है, अंपायर का सिग्नल है 22-1 रन, 1 रन की वृद्धि। कहते बढ़ती का नाम जिंदगी, फाइनली टीम का स्कोर आगे पहुंचता है 22/22। संदीप बोईर एक और अनुभवी एक्सपीरियंस गेंदबाज, कुंडेवाल टीम ने आज इंप्रेसिव गेंदबाजी किया है, इस मैदान से काफी वाकिफ है ये टीम, इस मैदान को काफी अच्छे से जानते हैं और कहीं ना कहीं उसका पूरा फायदा उठाया कुंडेवाल के गेंदबाजों ने। फुल लेंथ बॉल था इस बार, ऑन ड्राइव किया, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑन एरिया में, दर्शक देखिए हमारे काफी तादाद में दर्शक आए हुए, नजदीकी मामला, एक और खिलाड़ी आउट। दादाजी और बाबा जी कहते हैं यहां पर लालच बुरी बला है, दूसरे की लालच में एक और झटका लगाया और 9वां खिलाड़ी आउट मोपे टीम का। एक्शन रिप्ले में दे सकते अच्छी फील्डिंग आउटफील्ड में और गेंद को सही एंड पर थ्रो किया प्रसाद पवार आउट। मोपे टीम के लिए आज कहते बैटिंग में काफी संघर्षमय दिन गुजरा है, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, अभी भी इस इनिंग की 3 गेंदे बाकी है, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर 23 रन, 23 रन स्कोर कार्ड, नए बैट्समैन और आखिरी बल्लेबाज विश्वास मुंडे। इस बार लॉन्ग ऑफ एरिया की तरफ शॉट खेलने का प्रयास था, गेंद जाता हुआ यहां पर डीप में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 2 की कॉल, एक बार फिर ये नजदीकी मामला, क्या ऑल आउट होगी टीम, यस पहली टीम आज के दिन जो ऑल आउट होते हुए मोपे टीम, और कहीं ना कहीं 5 ओवर भी पूरी तरह खेल नहीं पाई टीम, 24 रन, 24 पर टीम सिमट गई है। कुंडेवाल टीम ने आज आग उगलने वाली गेंदबाजी की है, चाहे संजय वास्तर की तारीफ काबिल गेंदबाजी, मेडन ओवर विकेट, समाधान कातकरी ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद अंकित कातकरी ने युवा यंगस्टर ने प्रभावित किया अपने गेंदबाजी के जरिए, और संदीप बोईर आखिरी ओवर में भी इकोनॉमिकल और कसी हुई गेंदबाजी, जिसके वजह से कह सकते हैं कि 5 ओवर भी पूरी तरह मोपे टीम नहीं खेल पाई,
24 रन पे ऑल आउट हो गई, ढेर हो गई टीम मोपे और लक्ष्य है 25 रनों का। चलते अगले मैच के टॉस की तरफ और टॉस में जुड़ेंगे हमारे रिवोल मात्रे सर। काय झोंबला त्याला खईस का काय तरी यारा उतारा करा मिर्चा बिर्चा आना। तर नक्कीच आपण टॉस करूया। मी विनंती करतोय आमचे नाना अर्थातच तुलसीराम भाऊ गरद या दोघांनी या हरचंद्र गव्हाणकर साहेब आपण यावं आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाईल। तर मॅच असेल बघा उलवे विपक्ष करंजाडे, सैनी कैकाडे करंजाडे टीमचे संघनायक आणि उलवे टीमचे संघनायक। टॉस केला जातोय, हेड कॉल सनी कैकाडे आणि इट इज हेड, टॉस जिंकलाय सनी, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग, हा फिल्डिंग घेतलात आपण मैदानावर। 5 षटकांचा मॅच खेळायचा आहे उलवे टीमच्या अगेन्स्ट। आज ओला नगरीमध्ये तुम्ही आलात, एकंदरीत पहिला मॅच खेळाल, कसं असेल प्लॅनिंग या मॅचमध्ये? उलवा टीम बी खूप छान आहे, तसं आम्ही जेवढं जेवढं त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करायचा ते करूया, कमीत कमी 30-35 धावाच्या आतमध्ये आम्ही त्यांना रोखायचा करूया। नक्कीच 5 षटकांमध्ये कमीत कमी धावांत, परंतु जर आम्ही 2-3 रात्र पाहतोय खेळपट्टी गोलंदाजांना साथ देते, खूप चांगली गोलंदाजी, 2-3 गोलंदाजांनी मेडन षटक देखील फेकलेत, मग आता तुमचे कोण गोलंदाज असतील ज्यांच्याकडनं तुम्ही अपेक्षा जास्त चांगल्या गोलंदाजी कराल? आमच्याकडनं गोलंदाज तर मी एक आहे, एक सागर मात्रे आहे, भूषण आपले यो भाया आहे आणि भूषण आहे, तर त्यामुळं मी भायावर आणि सागरवर जास्त फोकस करू शकतो बॉलिंगचा। एकंदरीत सनी कैकाडे तुम्ही बरीच वर्ष टेनिस क्रिकेट खेळलात, आज तुमच्या टीमसाठी तुम्ही जास्तीत जास्त काय एक्सपिरियन्स शेअर कराल की आमची टीम कुठेतरी कमी पडतंय किंवा त्या टीमला मी जास्तीत जास्त मी माझ्या अनुभवानं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेन? आमच्या टीममध्ये जे प्लेयर आहेत ते सर्व आम्हाला चांगल्या प्रकारे सपोर्ट करतात आणि वेलेबल येऊन जी आमची प्रॅक्टिसला जे मदत करतात त्यामुळं आम्हाला तर वाटते का आम्ही बरोबर चाललो आहे। आमचं आयोजन खरं तर आम्ही कुठेतरी शिस्तीकडे, जो टेनिस क्रिकेट बेशिस्तपणे आज बराच पाहायला मिळतो, वेळेचं बंधन नाही आहे कधी येणं आणि त्याचबरोबर मैदानावर थोडेसे डिसिप्लिन नियम, आज आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून अंमलात आणलं। वेळेवर टॉस होणं, 1-1 मिनिट वाचवला जातो, एंट्रीज फीज बऱ्याच स्पर्धेमध्ये 2-3 हजार एक्स्ट्रा आहे, परंतु इथे असं पाहायला मिळणार नाही। एकंदरीत काय म्हणाल जे आमची पूर्णपणे कमिटी चांगलं आयोजन करीत आहे? सर्वात पहिले तर जेव्हा आमची जेव्हा इथे मॅच टाकली तेव्हा आम्हाला वाटलं ठीक आहे आपण टाइम नॉर्मल याच्याने जाऊ, पण जेव्हा आम्ही पहिली मॅच चालली जेव्हा नियम ऐकले तेव्हा आम्ही 2 मॅच आधीच येऊन इथं थांबलो, कारण का आम्हाला माहिती नियम हे सर्वांना लागू आहेत, ते जवळचा असू याला आमचा असू, पॅनल्टी कंपल्सरी आहे, त्यामुळं आम्ही नंतर बोलू पण शकत ना का बा पॅनल्टी का देता म्हणून, की रुल्स ते रुल्स आहे, त्यामुळं आम्ही 2 मॅच ते आधीच येऊन उभे राहिलो। थँक्यू थँक्यू सनी कैकाडे, खूप चांगलं या ठिकाणी आमच्याशी त्यांनी चर्चा साधली, थँक्यू सो मच। हे होते सनी कैकाडे ज्यांनी टॉस जिंकला अगदी आणि टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम उलवे टीमच्या अगेन्स्ट क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। प्रेझेंटेशन बॉक्स अर्थात टॉस बॉक्समधून ही माहिती मिळाली जाते। जाऊया पुन्हा एकदा आपण, मॅच सुरू होईल मोहपे विपक्ष कुंडेवाल, उत्तरार्धाचा खेळ कसा राहील हे मात्र ऐकूया पुन्हा एकदा आमचे बंधू दिनेश बंधू दिनेश पाटील यांच्या आवाजातून। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, आयोजित गुरुग्राम पंचायत ओळे सरपंच आदरणीय रुपेशभाई सुरेश गायकवाड पुरस्कृत सिद्धेश ट्रॉफी, त्याचबरोबर पनवेल उरण आमदार चषक 2024 या डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आणि चेंडू मात्र फिरकावलाय स्क्वेअरच्या दिशेनं आणि पहिल्या चेंडूवर विशाल भोईर ठोकतोय चौकार। धावा तुटपुंज आहेत, पूर्वार्धामध्ये अतिशय खराब फलंदाजी राहिली, परंतु संजय वासकरचा स्पेल 2 षटकांचा, 4 विकेट्स मेडन षटक, 3 धावा अफलातून गोलंदाजी, त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं पाहतोय आपण आणखीन एक मोठा तडाखा
मोठा तडाखा दाखवला जातोय आणि इथे आयोजकांचा वेळही वाचवला जाईल की काय, ठोकला जातोय षटकार। दरम्यान खेळाडू बादय मंचावर उपस्थित आदरणीय निलेशजी खारकर साहेब, गव्हाण जिल्हा परिषद बीजेपी सरचिटणीस, त्याचबरोबर युवा मोर्चा अध्यक्ष उल्वानोड आणि एक अतिशय उत्कृष्ट युवा नेतृत्व, निलेशजी खारकर साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत करूया। आणि स्वागत होतं या षटकारानं, खूप घाई विशाल भोईरला झाली आहे, आयोजकांचा वेळ वाचवायचा आहे, लाईटचे पैसे वाचवायचे आहेत, बिल कमी येईल आणि करंदाळे संघ आणि बुलवा संघ लवकर खेळायला उतरेल की काय असं वाटत असतानाच ठोकले जात आहेत फक्त षटकार। एक चौकार, दोन षटकार, लागोपाठच्या तीन चेंडूवर तब्बल धावपळकर धावा लागल्या, त्या 16 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तर फक्त 25। गोलंदाज करण पवार, करण पवारचं या चेंडूला याही दिशा दिली आहे, इथेही सुंदर क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षण खूप सुंदर राहिलंय। या सुंदर क्षेत्ररक्षण धावा आल्या, तब्बल 2 धावा, सामना अगदी सहज संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। परंतु जर विचार केला तर मात्र आई गावदे बोफे बनाम स्वर्गीय धोंडूशेठ व श्यामस्मृती कुंडेवाळ या दोन संघादरम्यानची लढत 22 धाव मात्र येते क्रिकेटमध्ये असू द्या, अथवा आयुष्यामध्ये क्रिकेटमध्ये धाव कशी आणली चालेल आणि आयुष्यामध्ये पैसा कसाही चालेल ते स्वीकारलं जातं मनापासून, कारण पैसा कुणा नको आहे, मग कसंही आणला चालेल, ज्याप्रमाणे धावा क्रिकेटमध्ये येणं गरजेचं आहेत ते धावा इथे मात्र येत आहेत। फक्त आणि फक्त 25 धावांचा उत्तरार्ध आहे, परंतु या आव्हान कठीण बनण्याचा प्रयत्न मोपे संघानं करणं गरजेचं होतं, परंतु विशालनं प्रहार केले। संतोष कातकरी आणखी एक दर्जेदार असा हा खेळाडू, मी नेहमी सांगतो की कुंडेवाल प्रीमियर लीगमध्ये सापडला हा हिरा म्हणजे संतोष। करण पवारला पडल्या तब्बल 19 धावा आणि त्याच्यामुळे उरलेत धावा फक्त उरलेत 6, 24 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे। ज्याप्रमाणे विशाल भोईर बरसलाय, पहिल्या चेंडूपासून प्रहार केले, पहिल्या 4 चेंडूवर त्यांना धावा जोडल्या त्या तब्बल 18, त्यानंतर मात्र आणखी एक चांगला फटका आणि या फटक्यानं फक्त 7 चेंडूमध्ये सामना जिंकलाय, तो म्हणजेच स्वर्गीय परंतु इथे धोंडूशेठ कैलासवासी धोंडूशेठ आणि श्यामस्मृती 11 कुंडेवाल संघ विजय झालाय। स्वर्गीय धोंडूशेठ म्हटलं तर शेखर वास्कर अर्थ यांचा हा यांचे वडील आणि त्याचबरोबर संदीप भोईर यांचे वडील श्यामस्मृती अर्थ श्यामशेठ भोईर या नावानं हा संघ मात्र उतरला आणि आज पहिलाच मॅच वन साईड पद्धतीने जिंकलेला आहे। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार मानूया मोपे टीम।